إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال हर किस्म की हमदो सना बड़ाई व किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहू बेश बहा दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम अम्बियाए किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशी प्यारी माएँ और बहनें, खुतबे मसनूना के बाद सूरे इब्राहीम की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि मुसलमानों, अगर ईमान के बाद तुम्हारे पास दो चीज़ें आ जाएं तो तुम मेरे ख़ास बंदे हो। और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाई जा रही है कि ऐ नबी, आप बोल दो, आप मेरी उम्मत को ये पैगाम पहुंचा दो, आप सुना दो इस पैगाम को। कुल लिइबादी अल्लज़ीना आमनू, मेरे उन बंदों को बोल दो आप जो ईमान वाले हैं, युकीमुस्सला, कि वो नमाज कायम करें, वयूंफिकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अल्लाह ने उन्हें जो कुछ रोज़ी दे रखी है, जो कुछ मालो दौलत दे रखा है, उसे अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह तबारक व तआला बंदों की निस्बत जल्दी अपनी तरफ नहीं करता। कोई अहम और ख़ास बात होती है तब वो कहता है कि ये मेरे बंदे हैं। जैसे बाप बोलता है बेटा है, लेकिन अगर वही बाप कहे ये मेरा बेटा है, दोनों में फ़र्क है। अल्लाह जल्दी बंदों की निस्बत अपनी तरफ नहीं फरमाता। कोई अहम और ख़ास बात होती है तब वो कहता है ये मेरे बंदे हैं। कुल लिइबादी अल्लज़ीना आमनू, आप मेरे उन बंदों से बोल दो जो ये दोनों काम करते हैं, ईमान के बाद नमाज कायम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। लिहाजा अगर आपको अल्लाह का खास बंदा बनना है तो नमाज के साथ साथ अल्लाह की राह में खर्च करना है। सूरह रहमान में अल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात फरमाई है, हम और आप पढ़ते हैं और ऐसे गुजर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, एहसान का बदला सिर्फ एहसान है। अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, रोजी दी है, ये उसका एहसान है। अब एहसान का बदला एहसान से, अब उसी दौलत को उसी माल को अल्लाह की राह में खर्च करें तो एहसान का बदला एहसान होगा, वरना दुनिया के सबसे बड़ा एहसान फरामोश तो तुम होगे कि अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, और उसको अल्लाह की राह में खर्च न करके आप कहीं और उल्टी सीधी जगहों पे खर्च कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एहसान फरामोश हो सकता है। और इस आयत करीमा की तफसीर में बास ताबईन ने कहा क़ाल बादु ताबईन मन कसुर ज़ुनूबहु फ़अलैहि बिसुक़िल मा फ़क़द गफ़र अल्लाहु लहु। अरे जिसके गुनाह बहुत ज्यादा हो गए हों उसे क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि वो पानी पिलाए, फ़अलैहि बिसुक़िल मा, पानी पिलाए। क्यों? फ़क़द ग़फ़र अल्लाहु ज़ुनूब मन सकल कल्बा, अल्लाह ने उस शख्स के जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा दिए जिसने कुत्ते को पानी पिलाया। फ़कैफ़ बिमन सक़ा मुमिनन, तो जो कोई किसी मोमिन को, किसी मुसलमान को, किसी इंसान को पानी पिलाएगा तो अल्लाह उसके गुनाह क्यों नहीं माफ करेगा? आप गौर करें, उसने सिर्फ पानी पिला दिया। अल्लाह की राह में खर्च करना तो दूर की बात है, सिर्फ पानी पिला दिया। मालूम यह हुआ कि जरूरत के वक्त किसी आदमी के काम आ जाना, किसी की मदद कर देना, पानी तक पिला देना, यह अल्लाह की राह में खर्च करने जैसा है। उन्होंने उस हदीस से इस्तेमाल किया कि एक आदमी जंगल में जा रहा था, उसे प्यास लगी, कुआं तलाश किया, उसे कुआं मिला। कुआं के अंदर पानी बहुत नीचे था, कुएं के अंदर गया, पानी पिया। जब बाहर निकलता है फ़इज़ा हिय कल्बुन यलहस ताकुलु सरा मिनल आतश, देखा कि एक मासूम जानवर अपनी जबान निकाले हुए कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्यास की शिद्दत ने उसे निढाल कर रखा है। कुएं के मुडेर और कुएं के इर्द गिर्द जो गीली मिट्टी थी उसको अपनी जबान से चाट रहा है। उसे तरस आया, रहम आया उस बेजबान जानवर के ऊपर। पानी पिलाए तो कैसे पिलाए? न डोल है, न रस्सी है, न बर्तन है, कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन कोशिश की उसने, उसने मोजा पहन रखा था, कुएं में उतरा और उसी मोजे में पानी भर करके उसे अपने दांतों से दबाया और अपने दोनों हाथों के सहारे कुएं से बाहर निकला और उस कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे की यह अदा बहुत पसंद आई। उसने ऐलान कर दिया मेरे बंदे तूने इस बेजबान जानवर को पानी पिलाया है, जा मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाह को माफ कर दिया है। तो जरा गौर करो, पानी पिला देने से जब आदमी की ज़िंदगी भर के सारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं तो अल्लाह की राह में खर्च करने से आदमी के गुनाह क्यों नहीं माफ़ होंगे? और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहु व लहु अज्रुन करीम। बड़ी प्यारी और बड़ी शानदार बात है। अल्लाह यह फरमा रहा है कौन है, मन दल्लज़ी, कौन है जो मुझे, जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे। सवाल यह है कि सारी दौलत सारा माल अल्लाह दे रहा है और उसके बाद कह रहा है कौन है जो मेरी राह में खर्च करे, मुझे कर्जा दे। आप किसी आदमी को 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया दे दो और उससे कहो इस पैसे को तुम फला फला जगह खर्च करो और जितना खर्च करोगे गोया तुम मुझे कर्जा दे रहे हो, मैं फिर तुम्हें उसको लौटाऊंगा। कर सकते हो आप ऐसा? यह अल्लाह की जात है कि अल्लाह कह रहा है मैंने तुम्हें माल दिया है, दौलत दी है, सारी प्रॉपर्टी दी है, लेकिन अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे गोया तुम मुझे कर्ज दे रहे हो। और ये दुनिया के कर्ज की तरह नहीं है कि 7% 5% तुम्हें मिल जाएगा। फ़युज़ाइफ़हु लहू, मैं तुम्हें उसका कई गुना बढ़ा करके 1 का 70, 70 का 700 और 700 का भी डबल करके मैं तुम्हें दूंगा। फ़युज़ाइफ़हु लहू, और यही बात है दूसरी जगह अल्लाह ने यही बात फरमाई है, वमा अनफक़्तुम मिन शै'इन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु, मुसलमानों तुम जो कुछ भी खर्च करोगे उसका बदला अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी और आखिरत में भी देगा, वहुव ख़ैरुर राज़िक़ीन, और उस सबसे बेहतरीन रिज़्क़ और रोजी देने वाला है। मुफस्सिर बोलता है अजीबतु लिमन यदख़िरु मालन बअद सिमाई हादिहिल आया, मुझे उस शख्स पर बहुत ताज्जुब होता है, बहुत अफसोस होता है जो शख्स इस आयत करीमा को सुनने के बाद बखीली करता है, अपने माल को खर्च नहीं करता है। गोया ऐसे शख्स का अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के इस फरमान के ऊपर ईमान और यकीन नहीं है। जब अल्लाह ने यह बात कह दी कि तुम जो कुछ खर्च करोगे उसका बदला मैं तुम्हें दुनिया में भी दूंगा, आखिरत में भी दूंगा, लेकिन इसके बावजूद बखीली कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ऐसा शख्स अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के इस फरमान के ऊपर उसका ईमान और यकीन नहीं है। देहाती लोग ये बड़े सख्त दिल होते हैं, जल्दी पैसा नहीं निकालते, चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी ना जाए। और चूंकि उनके पास आमदनी के जराए भी कम होते हैं, शहरी लोगों के पास आमदनी के जराए बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं देहातियों का तस्करा करते हुए फरमाया, वमिनल अअराबी मन युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातन इंदल्लाहि व सलावातिर रसूल। अल्लाह ने फरमाया कि देहातियों में से बाज़ देहाती ऐसे हैं जो सख्त दिल होने के बावजूद भी अल्लाह के ऊपर और यौम आखिरत के ऊपर मरने के बाद की जिंदगी के ऊपर ईमान रखते हैं। वो क्या करते हैं, अल्लाह की राह में यत्तखिदु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातन इंदल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मकसद क्या होता है, क़ुरबातन इंदल्लाह, अल्लाह की नजदीकी, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करना चाहते हैं। जो कुछ खर्च कर रहे हैं वो उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है। आज दुनिया के अंदर कोई आदमी किसी बड़े आदमी का करीबी बन जाता है, उसकी शान बढ़ जाती है, कोई प्राइम मिनिस्टर का पीए है, कोई सीएम साहब का परमानेंट असिस्टेंट है, अरे फला आदमी, उससे मत उलझना, वो बड़ा, उसका सोर्स, उसका फोर्स बहुत आगे तक है। अल्लाह ये कह रहा है कि मुसलमानों, मेरे बंदो, अगर तुम मेरी राह में खर्च करोगे तो तुम मेरे करीबी बन जाओगे, मैं मेरी नजदीकी तुम्हें हासिल हो जाएगी। लिहाजा अगर मुसलमानों अल्लाह की कुर्बत चाहिए तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और कुर्बात एक होती है मोहब्बत और एक होती है मोहब्बतें, एक होती है नज़दीकी और एक होती है नज़दीकियाँ। कुर्बातुन इंदल्लाह, अल्लाह की नज़दीकियाँ तुम्हें मिलेंगी अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से। और क्या मिलेगा, गिनो, वसलावातुर रसूल, रसूल की एक दुआ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिलेंगी सिर्फ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की वजह से। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की नजदीकियां और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिलेंगी। सयुदखिलुहुमुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों को अपनी रहमत के अंदर दाखिल करेगा। अल्लाह की रहमत चाहिए तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई है, खुद मिन अमवालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्किहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुन लहुम। अल्लाह ने फरमाया कि आप उनके मालों से सदका लीजिए, हम जो कुछ भी खर्च करें इसमें हमारा ही फायदा है, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है इसमें। देखो अल्लाह कह रहा है, खुद मिन अमवालिहिम सदका, आप उनके मालों से सदका लीजिए, खर्च करवाइए उनके माल को अल्लाह की राह में। इसका फायदा क्या होगा, तुतहिरुहुम, इनके दिलों को पाक कर देगा। माल जब आता है तो माल की बेजा मोहब्बत ये दिलों को गंदा कर देती है। ये सारे के सारे माल और दौलत ये गंदगी का मजहर है। आदमी क्या करता है, खाता है, खाने के बाद बाथरूम में जाता है। माल ये दिलों को गंदा कर देता है, और जिस दिल के अंदर माल की मोहब्बत आ जाए वहां अल्लाह की मोहब्बत नहीं होती है। इसी वजह से अल्लाह कह रहा है, मेरी मोहब्बत अगर अपने दिल में बाकी और बरकरार रखना चाहते हो तो इस माल को खर्च करो। और अगर खर्च नहीं कर रहे तो इसका मतलब तुम्हारे दिल के अंदर माल की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत, मेरी मोहब्बत नहीं है। ये अल्लाह कह रहा है खुद में नमवालिहिम सदका, तुम्हारे दिलों को पाक कर देगा। कपड़ा गंदा होता है तो आदमी क्या करता है, साबुन सरफ से पानी से धो देता है तो वो साफ हो जाता है। बदन गंदा हो जाता है, आदमी गुस्ल कर लेता है, साफ हो जाता है। लेकिन अगर दिल गंदा हो जाए तो उसके सफाई का, उसके पाक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो दिल पाक हो जाएगा। इसके अलावा दिल की पाकी और सफाई का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह की राह में खर्च करने से दिल पाक होता है। तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, यह है तहारत। और आगे अल्लाह फरमा रहा है सिर्फ पाक ही नहीं करेगा, तज़किया कर देगा तुम्हारे दिलों का। क्या मतलब, कपड़ा जब गंदा हो जाता है तो आदमी सरफ साबुन से पानी से उसको धुल देता है, यह तहारत है। अब धुलने के बाद उसको आयरन कर देता है, खुशबू लगा देता है, यह तज़किया है, यह है तज़किया। अरे मुसलमानों, जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो तो अल्लाह तुम्हारे दिलों को पहले पाक करता है, फिर उसके बाद तुम्हारे दिलों का तज़किया करता है, उस पर खुशबू लगा देता है। लिहाजा अगर दिलों को मुअत्तर करना चाह रहे हो, अपने दिलों को खुशबुओं से लबरेज करना चाहते हो तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। यह है तुज़क्कीहिम बिहा। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लि अलैहिम, ऐसे लोगों के लिए जो मेरी राह में खर्च कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप दुआ करें। ये कौन कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है वसल्लि अलैहिम, आप दुआ करें ऐसे लोगों के लिए। नबी की दुआ मिल जाए तो आदमी की किस्मत, आदमी की दुनिया, आदमी की आखिरत सब कुछ बदल जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है नबी को खिताब करके, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लि अलैहिम, आप ऐसे लोगों के लिए जो मेरी राह में खर्च कर रहे हैं, इनके लिए आप दुआ फरमाइए। इन्ना सलातक सकनुल लहुम, आपकी दुआ इनको सुकून पहुंचाएगी, इनको इत्मीनान नसीब करेगी आपकी दुआ। लिहाजा मुसलमानों, अगर तल्ख है, इस्तराब है, बेचैनी है, घबराहट है, ज़हनी सुकून अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। इसका फायदा क्या होगा, दुआ मिलेगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जब दुआ मिलेगी तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, तल्ख घबराहट बेचैनी आपकी खत्म हो जाएगी। कितने फायदे हैं अल्लाह के राह में खर्च करने के। एक तो अल्लाह की नजदीकियां मिल रही है, अल्लाह की मोहब्बतें मिल रही है, अल्लाह की रहमत मिल रही है, अल्लाह की मग़फ़िरत मिल रही है, और दूसरे आपके दिल पाक हो जा रहे हैं, आपके दिलों की पाकी सफाई, और आपका दिल मुअत्तर हो जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं मिल रही हैं। क्या क्या फायदे हैं सिर्फ अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च क्यों नहीं कर रहे। और जो लोग खर्च नहीं करते हैं उसके लिए वार्निंग भी है, तहदीद भी है, धमकी भी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाह, वो लोग जिन्हें अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, रुपये पैसे दिए हैं अल्लाह ने, और वो खर्च नहीं कर रहे हैं, बखीली से काम ले रहे हैं, ऐसे लोग ये गुमान ना करें, ये खुशफहमी में मुब्तला ना रहे, ये ना समझें कि ये बखीली उनके लिए बेहतर है, बल हुआ शर्रुल लहुम, बल्कि उनके लिए क्या है, उनकी खैर, उनकी खैरियत नहीं है, उनके लिए इंतहाई बुरा है। सयुतवक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह, अनक़रीब ऐसे लोग जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे हैं, यही माल और दौलत, यही रुपया पैसा, कल क़यामत के दिन उनके गले का तोक पहनाया जाएगा, सांप की शक्ल में, गंजे सांप की शक्ल में उनके गले का तोप पहना दिया जाएगा। आदमी दुनिया के अंदर सांप से घबराता है, एक सांप अगर घर के अंदर आ जाए पूरा घर परेशान हो जाता है। और हदीस के अंदर है लहू सभी बतान, कयामत का, आखिरत का सांप जिसके दो मुंह होंगे, वो गले के अंदर पहना दिया जाएगा, इधर से जसेगा, इधर से काटेगा, और कहेगा अना कंजू का ना मालू का, मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा खजाना हूं। ये ना खर्च करने वालों के लिए धमकी और वईद आई हुई है। लिहाजा एक तो अल्लाह जगह फरमा रहा है तुम मुझे कर्जा दो, और कर्जा कैसा कर्जा, कर्जे हसन कहा अल्लाह तबारक व तआला ने। कर्जे हसन जानते हैं, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। जब भी अल्लाह की राह में खुद कुछ खर्च करें तो खूबसूरत होनी, वो चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को कर्ज़े हसन चाहिए। कर्ज़े हसन का क्या मतलब? यानी माल खूबसूरत हो, माल पाक हो और आपके कद, आपके लेवल, आपकी स्टैंडर्ड के मुकाबिल में हो। आपको अल्लाह ने लाखों करोड़ों रुपया दिया हुआ है, आप हजार दो हजार दे रहे हो, ये तौहीन है आपके कद की, आपके माल की। समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये, रज़ाकी नहीं है। कोई प्यासा समंदर के पास आ रहा है और समंदर उसे दो चार कतरे दे रहा है, ये बखीली है, समंदर की तौहीन है। अल्लाह ने आपको माल और दौलत से नवाजा है और आप हजार पांच हजार दे रहे हो, ये बुखालत है, बखीली है। बल हुआ शर्रुल लकुम, ये तुम्हारे लिए इंतहाई बुरा है, ये बुखालत। तो एक तो कर्ज हसीन होना चाहिए, माल पाक हो, खूबसूरत हो, आपके कद, आपके लेवल के मुताबिक हो, और दूसरे नीयत खूबसूरत हो, नीयत के अंदर खूबसूरती हो, नीयत पाक हो। ये नहीं कि मुल्ला साहब ने बोल दिया है तो अब नहीं देंगे तो मुल्ला साहब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। नीयत के अंदर गड़बड़ी और फतूर नहीं, इखलास लिल्लाह के साथ, नीयत की खूबसूरती के साथ आप अल्लाह की राह में खर्च करें, यह मतलब है तर्ज हसन का। और तीसरा, जिस जगह खर्च कर रहे हैं वो जगह, वो मसरफ खूबसूरत हो। एक तो माल पाक हो, माल खूबसूरत हो, नीयत पाक हो, नीयत खूबसूरत हो, और तीसरे जिस जगह आप खर्च कर रहे हैं, यह है कर्ज़े हसन। अल्लाह वही फरमाए, मंज़ल्लज़ी, कौन है जो मुझे कर्ज़े हसन दे, फ़युज़ाइफ़हु लहू, मैं उसे बढ़ा चढ़ा करके कई गुना करके मैं उसे दूंगा, वलहू अज्रुन करीम, और मेरे पास उसके लिए बावकार अज्र है, बावकार अज्र है। वो ऐसे अज्र जिसका उसने वहमो गुमान भी नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा मैं क्या दे सकता हूं उसे, ये बावकार अजर है अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। तो सयुतवक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह, ऐसे लोग जो सैद सैद करके रख रहे हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हैं, यही माल, यही दौलत, यही खजाना, कल क़यामत के दिन सांप बन करके उनके गले का थोक पहना दिया जाएगा। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वअनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, लोगो इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाए खर्च कर दो। अय्याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल, जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा आपकी तमन्ना करेगा और तमन्ना उसकी कभी पूरी होने वाली नहीं। रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब, मेरे रब तू मुझे चंद सेकंड की मोहलत दे दे, मेरे पास जो कुछ रखा हुआ है मैं खर्च कर दूं। अल्लाह फरमाता है, फ़लन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा, खामोश हो जाओ, मैंने तुम्हें 60 साल की जिंदगी दी थी, 70 साल की जिंदगी दी थी, तब तो समझ में नहीं आया, अब मौत का फरिश्ता आ गया है तो अब समझ में आ रहा है, अब समझ में तुम्हें आ रहा है कि आप खर्च कर दें। फलन युअख़्ख़िरल्लाह, अल्लाह एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देगा। और अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा, जो लोग ये सोने, चांदी, जेवरात, लूलू, याकूत, मरजान, रुपए, पैसे सैद करके, गिन गिन करके रख रहे हैं, वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, देख रहे हैं, अज़ाब अलीम की बशारत दे दीजिए ऐसे लोगों को। आदमी बोलता है मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, अपनी अक्लमंदी, अपनी होशियारी, मैं सब कुछ लगा रहा हूँ, क्यों खर्च करूँ? याद रखें, आप इस बात को नोट कर लें कि आपकी मेहनत, आपके इल्म, आपकी अक्लमंदी, आपके होशियारी से आपको पैसा नहीं मिल रहा, दौलत नहीं मिल रही है। अगर इल्म की वजह से, मेहनत की वजह से, अक्ल की वजह से, होशियारी की वजह से अगर दौलत मिलती तो बहुत सारे जानवर भूखे मर जाते, बहुत सारे लोग जो बेवकूफ हैं, पागल हैं, जिनका दिमाग काम नहीं करो, भूखे मर जाते। ये अल्लाह की तकसीम है, यह अल्लाह की करिश्मा साजी है, यह अल्लाह की मसलहत और उसकी कुदरत के मज़ाहिर हैं। किसको कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, यह अल्लाह बेहतर जानता है। कोई ये ना समझे कि ये दौलत हमारे पास आ गई है तो इसमें हमारी मेहनत का कमाल है, हमारे इल्म का कमाल है, हमारी कोशिश और हमारी अक्ल का कमाल है, कोई कतन ये बात ना समझे। यह अल्लाह ने मालो दौलत दिया है तो ये अल्लाह की करिश्मा साजी है। क्यों दे रहा है? आपको जन्नत में पहुंचाने के लिए दे रहा है या जहन्नम में पहुंचाने के लिए दे रहा है? या आपके आपको आजमाइश में डाल रखा है दौलत दे करके कि जन्नत खरीदते हो या जहन्नम खरीदते हो आप। और आदमी सोचता है मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास 4 फैक्ट्रियां हैं 10 फैक्ट्रियां हैं, बहुत हवाओं में उड़ता है आदमी। गौर करो इन आयात के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के ऊपर। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं यक़ूल इब्न आदम माली माली, इब्ने आदम खामखा बोलता है मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी। या इब्ने आदम तूने जो कुछ खा लिया है, मा अकलता फअफनैत, जो कुछ खा लिया खा करके तुम्हारे बदन को लग गया वही तुम्हारा है, उसके अलावा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। औ लबिस्ता फअबलैत, जो कुछ पहन लिया पहन करके पुराना कर दिया, वो सीधा कर दिया, वो तुम्हारा है। औ तसद्दक़त फअमज़ैत, रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गया। और यह ऐसा अकाउंट है, ऐसा बैंक है जो कभी भागने वाला नहीं है, कभी बंद होने वाला नहीं है। दुनिया के बैंकों का क्या हाल, ये कभी भी बंद हो सकते हैं, कभी भी लूट खसोट करके रफू चक्कर हो सकते हैं, कभी भी इनका दिवालिया निकल सकता है। दुनिया के बैंकों की क्या गारंटी है? आपके सामने कितने सारे बैंक बंद हो गए, दुनिया के बैंकों की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अल्लाह कह रहा है यहां जो खर्च करोगे मेरी राह में, यहां पर पूरी पूरी गारंटी है। लिहाजा मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम खर्च क्यों नहीं कर रहे? आदमी बेजा माल से मोहब्बत करता है। बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनकी अक्ल काम करना बंद कर देती है। कहते हैं इतनी मेहनत से, इतनी मशक्कत से हमने खर्च कमाया है पैसा, अल्लाह की राह में ऐसे खर्च करते हैं। ये उनके ईमान की कमी है। अल्लाह ने क्या फरमाया, ईमान के बाद अगर तुम नमाज कायम करते हो और मेरी राह में खर्च करते हो तो तुम मेरे खास बंदे हो। खास बंदे बनना है तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कीजिए। हातिम ताई का वाक्य जानते हैं, बहुत ही जूदो सखा और फयाजी का एक बड़ा मशहूर नाम है हातिम ताई। उससे पूछा गया कि आपने कभी अपने से बड़ा कोई फयाज, कोई खर्च करने वाला देखा है? कहा हाँ, मैं हातिम ताई हूं, मगर मुझसे ज्यादा खर्च करने वाला, मुझसे ज्यादा लुटाने वाला मैंने एक बच्चे को देखा है। मैं एक जंगल में गया, वहां से थक हार करके मुझे भूख लगी, प्यास लगी, मैं एक बच्चे के घर गया, उस बच्चे से मैंने खाना तलब किया। उस बच्चे ने एक बकरा जबा किया और उसका मगज, उसका गूदा पका करके ला करके मेरे सामने पेश किया। मैंने जब उसको खाया तो मुझे बहुत लजीज लगा वो मगज, तो मैंने कहा क्या और भी है? उसने कहा हाँ। गया फिर एक बकरा जबा किया और जबा करके उसके मगज को पका करके लेकर के आया। मैं खाता गया और वो जबा करता गया, यहां तक कि उसने 9 बकरे जबा कर दिए। जब मैं खा करके थोड़ी देर आराम करके जब मैं निकला तो क्या देखता हूं कि जमीन के चारों तरफ 9 बकरियां जबा पड़ी हुई हैं। मैंने पूछा तुम्हारे पास टोटल कितनी बकरी है? कहा मेरे पास टोटल 9 ही बकरी थी। कहा अच्छा तो तुमने सारी बकरियां जबा कर दी? कहा हजरत, हुजूर वाला, आपको बकरी का मगज पसंद आया, आपने फरमाइश की, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं आपकी जबान का इनकार करूं, आपके इज्जत और एहतराम का इनकार करूं, मुझे मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मेरे पास जो कुछ था मैंने सब जबा करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। हातिम ताई ने कहा कि मैंने उसको 400 ऊंट 400 दीनार दिए, लेकिन मेरे 400 ऊंट 400 दीनार मेरी कुल संपत्ति और कुल दौलत का 1% भी नहीं था। उसके पास जो कुछ था अपनी दौलत का 100% मेरे लिए कुर्बान कर दिया उसने। मुझसे बड़ा फयाज दुनिया के लोगों, मैं हातिम ताई जूदो सखा में बहुत मशहूर हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा बड़ा सखी एक बच्चा है, ये नौजवान है। ये होती है फयाजी, ये होती है दरिया दिली। आज लोगों के पास पैसे हैं लेकिन अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे, ये नहीं समझते कि कब आंख बंद हो जाए, कोई गारंटी नहीं। आदमी एक रुपया जमा करता है, सैंत सैंत करके रखता है, और अचानक मौत का फरिश्ता आ गया, या अगर नहीं भी आया आपको 70 साल 80 साल की जिंदगी मिली, आपकी बेटियां गैरों के हाथ चली गई, आपके घर के अंदर 200 की बेटियां आ गई हैं, और आपकी दौलत, आपकी पूरी प्रॉपर्टी इधर उधर तकसीम हो गई और आप एक एक दाने, एक निवाले के लिए तरस जाओगे, परेशान हो जाओगे। फिर आदमी का क्या है? आदमी खामखा बोलता है मेरी प्रॉपर्टी, मेरा माल, मेरी दौलत, मेरा मकान, यह सब कुछ एक खेल है, एक तमाशा है। दुनिया के अंदर अक्लमंद वही है अल्कय्यसु मन दान नफ्सा, जो अपने आप कि भलाई और बेहतरी के लिए अपनी आखिरत को संवारे, उससे बड़ा अक्लमंद दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना यकनज़ूना ज़हब वल फ़िद्दा, जो लोग सोने और चांदी और हीरे और जवाहिरात को सैंत सैंत करके रख रहे हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर रहे हैं, तो सुनो यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, यही माल, यही दौलत, यही सोना, यही चांदी, यही रुपए पैसे कल क़यामत के दिन लोहा बनाया जाएगा, लोहे की सरिया स्टील बनाई जाएगी, उसको गर्म किया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उनकी पेशानी को दागा जाएगा। ये पेशानी, यही माल और दौलत, इसी को लोहा और सरिया बनाकर अल्लाह कह रहा है फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, पेशानी को दागा जाएगा। व जुनूबहुम, उसके बाजू को दागा जाएगा। व ज़ुहूरहुम, उसकी पीठ दागी जाएगी और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम, इसीलिए तुम इसको बचा बचा करके जमा करके रख रहे थे। इसीलिए क्यों पेशानी, क्यों क्यों? इसलिए जब सवाल किया गया था उसे, तो उसने सबसे पहले मुंह फेरा था। अल्लाह के लिए जब सवाल किया गया था तो उसने सबसे पहले मुंह फेरा। अल्लाह कहेगा इसके पेशानी को पहले दागो। वह जुनूबहुम, और फिर उसके बाजू को, क्यों? पहले मुंह फेरा, उसके बाद फिर ऐसे पलटा, बाजू को उसको दागो, और फिर पीठ दिखा करके भाग गया, उसकी पीठ को भी दागो। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबहुम व ज़ुहूरहुम, और फिर कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम, हादा मा कनज़्तुम, इसीलिए तुम जखीरा अंदोजी कर रहे थे, इसीलिए तुम जमा कर रहे थे। और मुसलमानों सुनो, जखीरा अंदोजी करना, जमा करना, माल कमाना, ये मना नहीं है, हलाल है, जायज है, मगर जिनके जो हुकूक हैं उनके हुकूक को अदा करो। सबसे पहला हक अल्लाह तबारक व तआला का है, आप अल्लाह का हक अदा कीजिए। माँ बाप का हक है, माँ बाप के ऊपर खर्च कीजिए। बेटों का, बीवियों का, बच्चों का हक है, उनके ऊपर खर्च कीजिए। समाज के अंदर यतीमों हैं, बेवा हैं, ये फुकरा हैं, गुरबा हैं, लाचार हैं, बेकस हैं, उनके ऊपर खर्च। जिनके जो हुकूक हैं उनके हुकूक को आप अदा कीजिए। माल कमाना मना नहीं है, आप कमाइए, खूब कमाइए, खूब दौलत हासिल कीजिए, मगर जिनके जो हुकूक हैं उन हुकूक की अदायगी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान का दिल ऐसा है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, दो चीज़ें उसकी फितरत में बिगड़ती जाती है। एक है माल की दौलत, माल की लालच, जैसे जैसे बड़ा होता है वो सोचता और माल मिल जाए, और माल मिल जाए। लौ काना इब्न आदम वादियान मिन ज़हब, इब्न आदम के अगर पास अगर दो वादी सोने से भरी मिल जाए, लब्तगा सालिसन, तीसरी वादी, काश मुझे एक और वादी मिल जाए सोने की। ये इंसान का पेट सिर्फ मिट्टी ही भर सकता है, कब्र के अंदर ही उसका पेट भर सकता है, इस रुए जमीन पर रहते हुए उसका पेट कभी भी भर नहीं सकता है। लिहाजा आप ईमान के साथ जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला आपको रोज़ी दे, रिस्क दे, मालो दौलत दे, उनमें जिनका जो हक बनता है, अल्लाह का सबसे पहले हक है, अल्लाह का हक अदा कीजिए। ये तमाम बातें अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि ईमान के साथ साथ नमाज कायम करें, अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करें। और दूसरा मकसद ये है कि आपके पड़ोस गोरी पालिया के अंदर जमात के अहबाब ने तकरीबन 10 सालों की मेहनत और मशक्क़त से एक ज़मीन ली। वो ज़मीन कोर्ट बाज़ कानूनी वजूहात और शरपसंद अनासर की वजह से कोर्ट के हवाले है, मगर अहबाब ने फिर भी अपनी इंतहक मेहनत और कोशिश से दूसरी ज़मीन मस्जिद के लिए ख़रीदी, और उस मस्जिद की मज़ीद उसात के लिए एक तीसरी ज़मीन ली, उसी से मुत्तसिल उसी की कल गालिबन रजिस्ट्री है। और आज इस जुमा का पूरा कलेक्शन उसी मस्जिद मोमिन को जाएगा। आप तमाम अहले खैर हजरात से, तमाम अहबाब से दर्दमंदाना, आजिज़ाना, मुखलिसाना अपील, गुजारिश और दरख्वास्त है कि आपसे जो कुछ हो सके दामे दिर्मे सुखने अल्लाह की उस मस्जिद के बनाने, उसकी तामीर करने, उसके लिए ज़मीन की ख़रीद के लिए जितना जो कुछ हो सके अपनी दरिया दिली का मुजाहरा कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके सद्क़ात के, आपके ख़र्च को कबूल फ़रमाए और उस दुनिया और आख़िरत में आपको उसका बेहतरीन बदला अता करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।